गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आइए शुरुआत करते हैं एक नई क्लास, मास्टर क्लास का तीसरा भाग आज आप देखेंगे, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे डायगोनल। डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण। साथियों, आयत हो या वर्ग हो, इसका डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। क्लास को पूरा देखना। उसके पहले दिन की शुरुआत करते हैं आपके लिए। सिर्फ प्राण निकल जाने से ही मृत्यु नहीं होती, सिर्फ प्राण निकल जाने से ही मृत्यु नहीं होती, मरा हुआ तो वह भी होता है जो अपने हक और अधिकार को खत्म होते हुए खामोशी से देख रहा है। अगर आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जाग जाएं। चलते हैं आगे। फिर जैसे एक रेक्टेंगल दिया गया, एक आयत दिया गया है, और इसमें इसकी जो भुजाएं दी गई हैं वो 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, 8 नहीं, इसको आप लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर और इसको लिख लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो इसका विकर्ण कितना होगा, कितनी लंबाई होगी इसके विकर्ण की, तो आपको बताना होगा। लेकिन यहाँ पर मुसीबत आ जाएगी अगर आप लंबाई और चौड़ाई को इस हिसाब से मानोगे। तो मैं बता रहा हूँ, लंबाई को आप मानिए, इसको 5 मानिए और इसको मानिए कितना, 3 मानिए, अब आसानी से आ जाएगा। आ जाएगा क्या? नहीं, गड़बड़ है यार, ऐसा भी नहीं सही है, ये 4 मानिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पता है? ये इसको ये मानो वो मानो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे विकर्ण एक पूर्ण संख्या आ जाए। अभी एक निकाल के दिखा देंगे, उसके बाद आप कुछ भी दिया होगा वो विकर्ण आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मत सोचना कि भाई अगर ये लंबाई 4 और 3 दी होगी तभी विकर्ण आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है, आसानी से आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको बनाया क्योंकि पहला सवाल है। चलिए, विकर्ण निकालने के लिए जो सूत्र होता है साथियों वो क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर, क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर इस दिए गए रेक्टेंगल का हमें विकर्ण निकालना है तो लंबाई का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर होगा और धन चौड़ाई का स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर होगा, ये कुछ ऐसा होगा। इस तरह से अगर आप इसको निकालेंगे तो पता है कितना आएगा, चाहे तो इसको कम्प्लीटली हल कर लीजिए, तो ये 16 और ये 9 हो जाएगा, इक्वल अंडर रूट 25 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये ध्यान से समझना। देखिए गड़बड़ क्या हो रहा है, इसमें अंडर रूट लगा है दोनों पर ना, दोनों पर अंडर रूट लगा है, तो ये 16 9 25 हो जाएगा, इस तरह से 5 आ जाएगा। और अगर आप इसको वैसे स्क्वायर ख़त्म कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, उस हिसाब से तो 7 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं लेकिन आएगा क्या, रियल में होगा क्या। लेकिन ये तरीका जो है वो सही है कि आप पहले अंदर के चीज़ों को हल करोगे, वर्गमूल लास्ट में निकालोगे, है ना। तो इस तरह से ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 25 आ जाएगा और यहाँ फाइनल में 5 आ जाएगा, यानी कि इसका विकर्ण कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। एक बात सदा याद रखें, किसी भी दिए गए आयत का जो विकर्ण होगा वो लंबाई और चौड़ाई सबसे बड़ा होगा, ठीक ना, सबसे बड़ा होगा। इसके अलावा विकर्ण के बारे में हम आपको कुछ और भी बातें बता देते हैं। देखिए हमारे सामने हैं कुछ डेटा जिससे हम आपको बताते हैं। आयत के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखाओं को विकर्ण कहते हैं। आयत के आमने सामने वाली रेखाएं जो हैं वो जिनसे मिलाते हैं उनको विकर्ण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने आमने सामने की रेखाओं को यहाँ से मिलाया, विकर्ण कहलाएगा, लेकिन वो केंद्र से होके जाना चाहिए। हाँ, केंद्र के होके जाना चाहिए, नहीं कि यहाँ से शुरू किया और ऐसे ऐसे साइड में लेके चले जाओ तो कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक ना। तो विकर्ण का मतलब समझना। आगे आयत के बारे में थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। देखिए कोई भी आयत अगर दिया गया है उसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं का तात्पर्य क्या है, देखो जैसे अगर ये PQ है और ये क्या है, PQRS, ठीक, समझना। अगर इसका ये विकर्ण दिया गया है साथियों, ये कितना है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, हम मानते हैं कि 10 सेंटीमीटर है,
और एक विकर्ण हमने यहाँ से इसको इधर खींच दिया, ध्यान देना, अब यहाँ से हमने ओ लिख दिया। अब एक बात आप सभी बताओ हमें फटाफट कि ये टोटल तो 10 सेंटीमीटर था, कितना था टोटल? टोटल 10 सेंटीमीटर ये लंबा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एस ओ का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस ओ, कितना होगा? यही परगुण आप लगाएंगे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसी भी आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब, जैसे मैंने ये मार्कर लिया, इसको आधे पर से तोड़ दूं, बस समद्विभाजित हो गया, आधा आधा हो गया। तो अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा? ये 5 सेंटीमीटर होगा। कोई कहे या ना कहे आपको याद रखना है। अगर ये ओ और पी निकालना है तो कितना होगा पता है? पहला नंबर तो दोनों विकर्ण बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्या होगा? 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा, और ये भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो ये इसका एक विशेष परगुण है जो आप समझ चुके होंगे। इसके आगे बात करते हैं अगर आयत का, तो आयत का प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, जो कि हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि किसी भी आयत का जो अंतःकोण होता है वो 90 अंश का होता है, यानी कि समकोण होता है। कहने का ये मतलब है कि इस दिए गए आयत में जो भी कोण बने हैं सभी 90-90 के ही बनेंगे, बाकी कुछ नहीं बनेंगे। मतलब कोई भी कोण इसमें 180 या कोई भी कोण इसमें 60 अंश का नहीं होगा। इसके आगे अगर बात करें तो आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर व समांतर भी होती हैं। आयत मतलब वही समचतुर्भुज मान लीजिए, है ना, समांतर चतुर्भुज। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? परस्पर बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल समांतर होती हैं। ये एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज ही कहलाता है। और समांतर का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये होता है क्या? नहीं, पैरेलल होता है ना। पैरेलल मतलब समांतर होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है। देखिए, अगर कहीं दो रेखाएँ ऐसे हैं, ऐसे, तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। अगर कहीं दो रेखाएं ऐसे हैं तो ये क्या है? समांतर है, जिन्हें पैरेलल बोलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप सीखते हैं सुबह की 5 बजे का जो आपको वीडियो मिलता है। तो साथियों, ये वीडियो आप बिल्कुल मिस ना किया करें। चाहे 5 बजे नहीं उठ पाते हैं तो 7 बजे देखें, 9 बजे देखें, चैनल पे पड़ा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, आपको नोटिफिकेशन मिली रहेगी। सुबह जब उठे नोटिफिकेशन में देखें, यूट्यूब में PVR स्टडी की नोटिफिकेशन कहाँ गई, और उसे देख लें। अगर नहीं मिलता है तो चैनल पे विजिट करें और वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आप PVR स्टडी का फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको जो भी क्लास चलेंगी उनकी लिंक आपको भेज दिया जाएगा, उसे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। तैयार हो जाओ, जल्दी से कमर कस लो सभी, फटाफट तुरंत। देखिए वो सवाल कौन सा है? वो सवाल ये है, एकदम छोटा सा है, प्यारा सा है, बस कोशिश करके बताना एक बार। देखिए, अगर ये एक क्या दिया गया है, आयत दिया गया है, इसका जो लंबाई दिया गया है वो क्या दिया गया है, ध्यान देना, इसका लंबाई दिया गया है, मैं कुछ भी ऐसा लिखूंगा जिससे कि आपको आसानी से आ जाए, है ना। चलिए मान लेते हैं कि 4 दिया गया है, ठीक। और इसका जो ये दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, वो 2 दिया गया है। तो आप में से कोई बता सकता है CP कितना होगा? CP कितना होगा? और दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हो गया CP बताना, इसमें दूसरा क्वेश्चन है AP भी बता देना। अगर CP निकालोगे तो AP भी आ जाएगा। तरीका मैं बता दे रहा हूँ, हिंट में दे रहा हूँ, जैसे अभी आपने पहले रूल देखा ना, सेम वैसे ही करोगे। और वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, बस ध्यान से देखना, ठीक ना। सबसे पहले तो आप विकर्ण वाला सूत्र लगाओगे, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। वीडियो को शुरू में देखो, वहाँ पे दिखाया गया है ना। जब आप फार्मूला लगाओगे तो आपको विकर्ण मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएगा। डायगोनल जब आप प्राप्त करोगे
तो उसी का आधा जो है वो सीपी होगा और आधा क्या होगा एपी होगा। तो ये सब बातें अगर आप सीख जाते हो तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। साथियों इसके बाद चलते चलते आपको बता दें, आज आपने विकर्ण पढ़ लिया है, डायगोनल पढ़ लिया, कल आपने एरिया पढ़ लिया था, पेरीमीटर पढ़ लिया था, परसों आपने पढ़ लिया था पेरीमीटर के सॉरी कल आपने क्षेत्रफल पढ़ा था, एरिया पढ़ा था ना, परसों आपने पेरीमीटर पढ़ा था, परिमाप। इसके आगे आने वाली क्लास में हम आपको दिखाएंगे और भी इंटरेस्टेड इसी तरह से और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। उसके लिए आपको बता दें कि अगर आप इस क्लास को PVR स्टडी ग्रुप पर देख रहे हैं तो आप PVR स्टडी इलाहाबाद को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप PVR स्टडी इलाहाबाद या PVR स्टडी प्रयागराज पर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप PVR स्टडी ग्रुप को भी सब्सक्राइब करें, मतलब दोनों चैनल से जुड़े रहें, याद रखना, जिससे आपको सारी क्लासें मिल सकें। इसके अलावा पेड वाली क्लास का 80% क्लास फ्री में पाने के लिए आप PVR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करके फॉलो कर लें, जिससे कि आप ये क्लास फेसबुक पर बिल्कुल फ्री देख सकें। बाकी कंप्लीट क्लास व्हाट्सएप पे पाने के लिए आपको मात्र 549 का पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको कक्षा 8 तक की कंप्लीट NCERT मैथ भेज दिया जाएगा मात्र 549 रुपये में। व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करें और आज ही ज्वाइन करें। ज़्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें pvrstudy@gmail.com। और सभी फ्री की करंट अफेयर, GK GS और अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ साथ स्टडी मटेरियल के लिए विजिट करना ना भूलें आपकी अपनी pvrstudy.com। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद। और चलते चलते एक विनम्र निवेदन होगा, एक प्रार्थना होगी कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा। साथियों शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर, का चाहे कम से कम एक ही दो मित्र को करिएगा या ग्रुप में करिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।